बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये बात कहूँगी कि जो भी एहतजाज किया जाए उसे पुरअमन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी या किसी भी लीडर से मोहब्बत होना पाकिस्तानी अवाम का जमहूरी हक है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि पाकिस्तान आपका अपना है, आप इसी पाकिस्तान से हैं। चाहे इस मुल्क का कोई भी इदारा है, चाहे पंजाब पुलिस है, चाहे आर्मी है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी हैं, वो सब इस मुल्क से हैं। और ये मुल्क हमसे नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये मुल्क जो है हम सबकी पहचान है। तो इसलिए कोई भी नुकसान पहुँचाते हुए, कोई भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हुए, आग लगाते हुए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये सब कुछ आपके दिए गए टैक्सीज से बना है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। किसी की भी अमलाक को, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो आपके असासाजात हैं, चाहे वो किसी पाकिस्तानी शहरी के हैं असासाजात, उनको नुकसान ना पहुँचाएं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर देखा गया कि जेहलम में कुछ ऐसे नौजवानों को उठाया गया घरों से जो कि किसी भी मोतसिबाना कार्रवाइयों में शामिल नहीं थे, और डीसी जेहलम की जानिब से लेटर बकायदा दिए गए कि नोटिफिकेशन आए कि जी उनको मोतसिबाना कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया, और इस वजह से हालात को साजगार रखने के लिए जो है उनको अरेस्ट किया गया, उनको 7 दिन के लिए नज़रबंद किया जा रहा है। जिसमें रिजवान उर्फ जानी जो कि मेरे खुद के फैमिली मेम्बर हैं, उनके हवाले से मैं ये बात करूँगी कि मैं खुद जानती हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं उनमें से किसी एक फर्द भी जो है वो किसी भी एहतजाज में शामिल नहीं है, और ना ही उनका किसी भी जगह पे कोई हिस्सा है। तो लेकिन यहाँ पे मैं डीसी जेहलम और डीपीओ जेहलम से एक सवाल करती हूँ। डीसी साहब और डीपीओ साहब, ये बताएं ज़रा कि कौन से ऐसे अवामी अमनो आमा के तहफ़ुज़ के लिए आपने ये कार्रवाई की? क्या आपको नज़र नहीं आता कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं? आप किसी एक नौजवान को घर से लेके जा रहे हैं और उसके ऊपर गलत आप FIR दे रहे हैं? क्या आपको खुदा का खौफ नहीं है? क्या आपको डर नहीं लगता? या इन हुकूमतों ने आप सबको इस तरह की लगामें डाली हुई हैं कि आप तनख्वाहें भी अवाम के टैक्सों से लेते हैं, आप अवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, लेकिन साफ बहादुर बन के सब अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं? आप सब अवाम के साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, जिस मर्ज़ी झूठे केस में फंसा दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ एजेंसीज अंधी नहीं हैं। जेहलम की एजेंसियों से मैं ये सवाल करती हूँ, क्या आपको नहीं पता कि रिजवान उर्फ जानी को जिस केस में फंसाया गया जबकि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं था? मुझे इस चीज़ का जवाब अगर कोई देना चाहता है तो ज़रूर दे। मैं एजेंसियों से भी ये सवाल करती हूँ, मैं डीसी जेहलम से भी ये सवाल करती हूँ, और डीपीओ जेहलम से भी ये सवाल करती हूँ कि मुझे बताएं, मुझे सबूत बताएं, सबूत दें, वरना मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी कि आपने ये झूठी FIR दी है और मेरे पास इस चीज़ के सबूत हैं कि वो बच्चा किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, किसी भी एहतजाज में वो बच्चा शामिल नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।